please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पर न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बीएचयू के पूर्व प्रॉक्टर ओएन सिंह ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की। मैं बाहर था, मैंने दे दिया है, बाकी चीजें सर मैं न्यायिक जांच बैठ चुकी है उसमें। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला बोला। गिरती अर्थव्यवस्था के लिए यशवंत सिन्हा ने अरुण जेटली को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के मुताबिक यशवंत सिन्हा बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्री यशवंत सिन्हा जी ने जो आज लिखा है वो 16 आने सच है। भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। भारत की अर्थव्यवस्था के परकच्छे उड़ा दिए हैं पिछले 40 महीनों में एनडीए भाजपा सरकार ने। विक्रांत हमारे साथ योगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यशवंत सिन्हा का सरकार पर हमला और एक तरीके से कहा जाए तो अर्थव्यवस्था भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब सरकार गिरती जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष अभी तक हमलावर था और जिस तरीके के सारे डाटा सामने विपक्ष रख रहा था, उसके बाद बीजेपी के अंदर से ही आवाज आनी और यशवंत सिन्हा एक बड़े नेता रहे हैं बीजेपी, हालांकि वो जब से सरकार बनी है तभी से असंतुष्ट नेताओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री वो रहे थे और उन्हीं सब अनुभवों का हवाला देते हुए उन्होंने ये ब्लॉग लिखा, ये अपना आर्टिकल लिखा और इसमें साफ तौर पर सरकार की अर्थ नीति और खास तौर पर वित्त मंत्रालय के कामकाज, वित्त मंत्री पर निशाना साधा। तो निश्चित तौर पर सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि अभी तक विपक्षी उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को लेकर के सीधा हमला पूर्व वित्त मंत्री ने डाला है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इससे परेशानी में दिखाई देगी। शुक्रिया विक्रांत। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर तोड़ते हुए पुंछ के रिहायशी इलाकों में फायरिंग। बीएचयू में लाठीचार्ज की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चीफ प्रॉक्टर ओएन सिंह ने इस्तीफा दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अपील के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग में 104 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म की। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने देश की खराब अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए वित्त मंत्री जेटली पर निशाना साधा। ट्विटर जल्द ही मैसेज के लिए अक्षरों की संख्या 140 से 280 करने जा रहा है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब की सरकार ने पहली बार महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी।